हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाई कौशलेंद्र सर। इस चैनल में आप पढ़ते हैं 11, 12 एनडीए और जेई लेवल का मैथ्स बिल्कुल सरल अंदाज में, क्लियर कंसेप्ट, इजी मेथड और शानदार परिणाम। मैथ के इस लेक्चर में हम आपको इंटीग्रेशन का बेसिक का चौथा लेक्चर बताएंगे। इस लेक्चर में हम आपको और कुछ प्रॉब्लम्स बताएंगे जो इंटीग्रेशन के बेसिक प्रिंसिपल है। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसी कंसेप्ट पर आधारित कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। 16 प्रॉब्लम्स पहले कर चुके हैं, आज हम लोग देखते हैं 17th नंबर प्रॉब्लम से। उसके पहले पूरा फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। और देखते हैं बेसिक इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम नंबर 17 नंबर क्वेश्चन आपको देख रहे हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर n log x बेस e dx। तो यहाँ इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन टफ नहीं है, सिंप्लीफाई कीजिए, प्रॉब्लम को छोटा कीजिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला आप लगाइए कि n log m इज इक्वल्स टू होगा log m टू द पावर n, और दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे e टू द पावर log x बेस ई रहता है तो सिर्फ एक्स हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं, तो ये मिल जाएगा ई टू द पावर एन लॉग एक्स, यानी एन लॉग एम का फॉर्मूला मतलब लॉग एम का पावर एन, यहाँ एक्स है तो लॉग एक्स का पावर एन और बेस ई। अब दूसरे फॉर्मूला लगा देते हैं, e टू द पावर log x बेस e रहे तो ये पूरा समाप्त हो जाएगा, तो आपको बचेगा इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx। और आप जानते हैं कि यह स्टैंडर्ड रिजल्ट है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 जोड़ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो छोटा छोटा कंसेप्ट बार बार वीडियो देखते रहने से आपको ये सब चीज़ ऐसे ही जुबान पे याद हो जाएगा, लॉग का फॉर्मूला, इंटीग्रल का फॉर्मूला। तो मन लगा कर देखिए और अंत अंत तक वीडियो देखिएगा, एक से एक बेहतरीन प्रॉब्लम आज के वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ई टू द पावर एक्स इंटू एन टू द पावर एक्स का इंटीग्रल। तो पहले यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला एक्स टू द पावर ए इंटू बाई टू द पावर ए रहे तो आप लिख सकते हैं एक्स इंटू बाई टू द पावर ए, तो ये हो जाएगा आपको इंटीग्रल ऑफ ई इंटू एन टू द पावर एक्स डी एक्स। अब यहाँ लगाएंगे इंटीग्रल का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स रहे तो आप लिख सकते हैं ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रल होता है, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, चूँकि इंटीग्रेशन है तो ये इन्वर्स प्रोसेस होगा डिफरेंशिएशन का, तो डेरिवेटिव में लॉग ए गुना में होगा तो इंटीग्रल में लॉग ए डिवीजन में हो जाएगा। तो ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रल होगा ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई। अब यहाँ पर आप देखिए ए के जगह पर है ई इंटू एन, तो e इंटू एन टू द पावर x का इंटीग्रल इसी फॉर्मूला पर लगाइए तो क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा e n टू द पावर x डिवाइडेड बाय log e n टू द पावर x डिवाइडेड बाय log e n प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका आंसर होगा। आई होप आप सब लोग अच्छे से प्रॉब्लम को समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है e टू द पावर x log 4 प्लस e टू द पावर 3 log x प्लस e टू द पावर 5 log 3 dx। तो पहले तो वही फॉर्मूला लगाएंगे n log m इज इक्वल्स टू होगा log m का पावर n और फिर e टू द पावर log x बेस e बराबर x, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दोबारा हमने इसको लिखा है, आप इस पर पकड़ बनाइएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर n log m यानी log 4 टू द पावर x प्लस e टू द पावर 3 log x यानी n log m
तो लॉग एम का पावर एन प्लस ई टू दी पावर, फिर से हो गया एन लॉग एम, यानी लॉग एम का पावर एन डी एक्स। अब सबको बदल देते हैं, ई टू दी पावर लॉग फोर टू दी पावर एक्स, यानी यहाँ भी बेस ई है, तो ये सिर्फ हो जाएगा आपका फोर टू दी पावर एक्स। ये क्या हो जाएगा, ये पूरा समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा एक्स का पावर थ्री, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका थ्री का पावर फाइव डी एक्स। अब यहाँ लगा दीजिए अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, यानी सम का इंटीग्रेशन बराबर इंटीग्रेशन का सम, यानी इंटीग्रेशन ऑफ फोर टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर थ्री डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थ्री टू द पावर फाइव डी एक्स। अब यहाँ लगा दीजिए ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, अभी बताए थे फॉर्मूला, ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रल होगा ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए बेस ई, तो ये हो जाएगा आपको फोर टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग फोर बेस ई, और ये हो जाएगा एक्स के पावर एन का इंटीग्रल, तो एक्स के पावर एन का इंटीग्रल होगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर फोर बाई फोर, और ये थ्री का पावर फाइव कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, और डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस सी। पेशेंस रखना है, एक एक सवाल को सीखते जाना है, बेसिक में हम इतना सवाल बता देंगे कि आगे जो भी इंटीग्रेशन आएगा वो आपको बहुत ही आसान नज़र आएगा, लेकिन शर्त है कि आप एक एक वीडियो को मन से देखिए। इसके पहले भी बेसिक का तीन लेक्चर बनाया जा चुका है, पूरा सबको बढ़िया से देखिए और कॉपी में जगह दीजिए प्रॉब्लम को, देखिए आपके प्रॉब्लम का कलेक्शन कैसा होता है, कोई भी किताब कोई भी असाइनमेंट इन सब से ऊपर हो जाएगा। आप इसका कलेक्शन तो देखिए एक बार और पूरे मन से पढ़िए, इंटरेस्ट भी आ जाएगा पढ़ने में। तो अंत अंत तक वीडियो देखिएगा, एक बार फिर से कहेंगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बेहद खूबसूरत सवाल, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, अंत अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन है m टू द पावर x प्लस n टू द पावर x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m टू द पावर x इंटू n टू द पावर x dx। तो पहले हम यहाँ तोड़ देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी यहाँ हो जाएगा m के पावर x का स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं m टू द पावर 2x, ये n के पावर x का स्क्वायर, तो n टू द पावर 2x प्लस टू इंटू एम टू द पावर एक्स इंटू एन टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई एम का पावर एक्स इंटू एन का पावर एक्स डी एक्स। अब ये जो डिनोमिनेटर का टर्म देख रहे हैं एम टू द पावर एक्स इंटू एन टू द पावर एक्स, ये सभी टर्मों के साथ है, तो सबको हम अलग अलग कर देते हैं। ये मिल जाएगा एम टू द पावर टू एक्स डिवाइडेड बाई एम टू द पावर एक्स इंटू एन टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एन टू द पावर टू एक्स अपॉन एम टू द पावर एक्स इंटू एन टू द पावर एक्स डी एक्स, और यहाँ टू कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा, हो जाएगा एम टू द पावर एक्स इंटू एन टू द पावर एक्स अपॉन एम टू द पावर एक्स इंटू एन टू द पावर एक्स डी एक्स, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एम टू द पावर टू एक्स और एम टू द पावर एक्स बेस सेम है, डिवीजन में है, तो पावर माइनस में हो जाएगा, एक्स का पावर ए अपॉन एक्स का पावर बी बराबर एक्स का पावर ए माइनस बी। छोटा छोटा फॉर्मूला कभी कभी बड़ा परेशान कर देता है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा एम टू द पावर टू एक्स माइनस एक्स यानी एक्स डिवाइडेड बाई एन टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस, यहाँ देखिए एन टू द पावर टू एक्स और माइनस एक्स, तो हो जाएगा एन टू द पावर एक्स बटा एम टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। समझ में आ रहा है बात, अब इसको लिख सकते हैं आप इंटीग्रल ऑफ एम अपॉन एन टू द पावर एक्स, ये हो गया एक्स का पावर ए बटा बाई का पावर ए बराबर लिख सकते हैं एक्स बटा बाई का पावर ए, तो एम अपॉन एन टू द पावर एक्स डी एक्स
प्लस ये हो जाएगा एन बटा एम टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखिए फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ये हो गया ए टू द पावर एक्स। तो अभी बताए थे कि ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए। तो यहाँ ए हो गया एम बटा एन, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए यानी लॉग एम बटा एन। समझ में आ गया बात, सब में बेस ई है। अब फिर यहाँ भी हो गया ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रल, तो ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स बटा लॉग ए बेस ई यानी एन अपॉन एम टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग एन अपॉन एम, ये एन है अपॉन एम, अब प्लस टू एक्स जोड़ सी, यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही बढ़िया सवाल, बेहतरीन सवाल। इस टाइप के सवाल को अगर आप एक बार देख कर जाते हैं, एक बार बना करके जाते हैं, प्रैक्टिस में रहते हैं, तो इंटीग्रल का सवाल बनाने में आपको सहूलियत होगी। इन सब चीज़ के लिए उत्साह होना बहुत ज़रूरी है कि अगला सवाल क्या बताएंगे सर, उसके प्रति उत्साह रहना चाहिए कि सवाल नंबर 20 अगर अच्छा है तो 21 इससे भी अच्छा होगा। सो अंत तक वीडियो देखना है, उत्साह जब तक नहीं रहेगा कुछ नहीं होगा। जब तक जिंदा हैं जिंदा दिली से जी लीजिए, कहावत भी है कि जब तक जिंदगी है जिंदा दिली से जिए, मौत आने से पहले मुर्दा ना बने, एकदम बढ़िया से जीना है। उत्साह और इच्छा साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देती है, समझ गए बात। उत्साह और इच्छा ये दोनों मरना नहीं चाहिए, अगर उत्साह और इच्छा है तो आप साधारण से असाधारण बन जाइएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे सिर्फ एक डिग्री के फर्क से पानी भाप बन जाता है, एक डिग्री के फर्क से, और यह भाप बड़े से बड़े इंजन को खींच सकता है। इसलिए उत्साह हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो उत्साह है ना, वह एक डिग्री का काम करता है, वो पानी से भाप बना देगा, और जब भाप बन गया तो फिर कितना आगे आप जाइएगा ये आप खुद भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो अपने लिए, अपने आप को अच्छे से जीने के लिए उत्साह बनाए रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, एक और सवाल उसी अंदाज में। इंटीग्रल ऑफ 2 टू द पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर एक्स डी एक्स, सेपरेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2 टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 3 टू द पावर एक्स बटा 7 टू द पावर एक्स डी एक्स। आप इसको लिख सकते हैं 2 बाई 7 टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस 3 बाई 7 टू द पावर एक्स डी एक्स, और फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे कि इंटीग्रल ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स बराबर होगा ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए प्लस सी। इस फॉर्मूला को हम आज 5 बार 6 बार बोल चुके हैं कि हम जानते हैं कि इस फॉर्मूला से लोगों को डर लगता है, बस याद कर लेना है। तो हम 7 बार तो इस वीडियो में बोल चुके हैं, आपको याद हो जाना चाहिए। अभी हो गया ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रल, ये फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए प्लस यहाँ भी 3/7 टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग 3/7 प्लस सी, ये आंसर हो गया। इस टाइप का सवाल डायरेक्ट पूछ देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देख के लग रहा होगा बड़ी भारी सवाल है, कैसे बनाएंगे, क्या लगावे, इंटीग्रेशन का कौन सा मेथड लगावे। हम कहते हैं कुछ नहीं लगाइए, आप सिंप्लीफाई पहले कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, प्रॉब्लम है उसको छोटा कीजिए। जैसे ही शॉर्ट कीजिएगा तो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, प्रॉब्लम को शॉर्ट कीजिए सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम साइन स्क्वायर का पावर 3 कर देते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का पावर 3 अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 3 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स
डीएक्स। अब यहाँ लगा दीजिए फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, अक्सर हाँ क्लास में हम इसके बारे में बोलते हैं कि इसको बेजतियाहा फॉर्मूला बोलते हैं, जानता सब है, कन्फ्यूजन में सब रहता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। अब इसी फॉर्मूला पर हम यहाँ एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, ए के जगह पर साइन स्क्वायर एक्स और बी के जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या मिल जाएगा, ए यानी साइन स्क्वायर एक्स जोड़ बी यानी कॉस स्क्वायर एक्स का पावर थ्री माइनस थ्री इंटू ए हो गया साइन स्क्वायर एक्स, बी हो गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी। एक ही चीज़ को बार बार कितना बोलें, आप समझ जाइए बात को, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कोई चेंजिंग मत कीजिए, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। विद्यार्थियों में ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे ही बड़ा टर्म देखता है तो उसको लगता है बड़ी भारी है, अरे तोड़ा गया है तो बड़ा हो गया, कोई फॉर्मूला थोड़े लगा, कोई इंटीग्रेशन का कंसेप्ट थोड़े लगा, एक भी पॉइंट पर इंटीग्रेशन लगाए हो तो आप जरा गहराई से सोचिए, कहीं नहीं लगा। और इसको शॉर्ट कीजिए, अब साइन स्क्वायर एक्स जोड़ कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इन टू ये हो जाएगा फिर से वन, तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इन टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, तब ये हो जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर ले जाइएगा तो फंस जाइएगा, ये एक अलग से प्रॉब्लम हो गया, ये एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम भी है, डी एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर आप वन को ट्रांसलेट कर लीजिए, तो वन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये ट्रांसलेशन जो है ना सब जगह पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, संस्कृत से हिंदी में, हिंदी से संस्कृत में, इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में, मैथ को मैथ में कैसे ट्रांसलेट कर लें, वन के जगह पर क्या लिख दें, ओमेगा क्यूब लिख दें कि साइन स्क्वायर एक्स जोड़ कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें या और कुछ लिख दें, साइन एक्स गुना कॉसेक एक्स, टेन एक्स गुना कॉट एक्स, कॉस एक्स गुना सेक एक्स, ये सब तो वन ही है, तो वन को किस रूप में लिख दें ये प्रैक्टिस से होगा, और जिस दिन ये हो गया यकीन मानिए आप मैथ में अनपैरेलल हो जाइएगा, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। तो यहां पर हमने वन को ट्रांसलेट कर दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में, अब माइनस ये थ्री कॉन्स्टेंट हो गया, इसको हम बाहर निकाल दिए और बच गया इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। अब इसको अलग अलग सेपरेट कीजिए, अब आपको मिल जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस सी। यहाँ साइन स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बच जाएगा आपको इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सी। वन बटा कॉस बराबर सेक, वन बटा साइन बराबर कॉसेक। अब सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, तो टेन एक्स का, यानी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा टेन एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, तो माइनस कॉसेक एक्स का, नहीं माइनस कॉट एक्स का, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉट एक्स अब माइनस थ्री एक्स अब प्लस सी, यानी टेन एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया।
उम्मीद करते हैं कि इंटीग्रेशन का बेसिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब कभी भी लगे कि आप कमज़ोर पड़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन के बेसिक का ये चारों लेक्चर, इसको अलग प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे, इसको आप देख लीजिएगा एक बार, यकीनन आपको इंटीग्रेशन से लगाव हो जाएगा और आगे आप पढ़ना शुरू कीजिएगा। तो आज हम आपको इंटीग्रेशन का बेसिक यहाँ पर छोड़ रहे हैं, समाप्त तो नहीं करेंगे, बाद में दो साल बाद भी इसमें एक वीडियो ऐड करेंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन अभी हम इसको छोड़ रहे हैं, समाप्त नहीं कर रहे हैं, और भी इसमें वीडियो जाएगा। अगला वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हम आपको बताएंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो अगले लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। उससे पहले मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस चैनल को पहुंचाइए। आपने देखा है कि एक एक चैप्टर को मैंने बड़ा अच्छे तरीके से जीरो लेवल से पढ़ाए हैं, बहुत अच्छे तरीके से लेकर गया हूं मैं। सीमित संसाधनों के बीच 300 वीडियो बनाने के बाद भी मैं आज पेपर पर ही वीडियो बना रहा हूं, तो ये मेरा दुर्भाग्य है। अभी तक एक रुपया भी यूट्यूब से हमको नहीं मिला है। अब तो मोनेटाइजेशन भी समाप्त हो गया, इधर व्यू कम हो गया तो मोनेटाइजेशन पता नहीं क्यों समाप्त हो गया है, लेकिन फिर देखते हैं, प्रोसेस लगाते हैं, जल्द ही हो जाएगा। कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जाए, अगर नहीं कुछ इनकम होता है तो कम से कम लोगों के बीच में ये मैसेज भी तो जाए कि एक चैनल ऐसा है जिसमें कोई चैप्टर आप शुरुआत कीजिएगा पढ़ने के लिए तो आपको एकदम बेसिक से जीरो लेवल से ऊपर लेवल तक सब मटेरियल मिल जाएगा। कम से कम ये मैसेज तो जाना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चैनल को शेयर कीजिए, जैसे हो सकता है उस प्रकार से मदद कीजिए। आप सब वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप अपना सहयोग देते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। अगला वीडियो हम लोग शुरुआत करेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन।